विश्व ओजोन दिवस के मौके पर हिमालयन सेफ्टी एंड वाटर कंजर्वेशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन RGPG कॉलेज में किया गया। विश्व ओजोन दिवस इसलिए मनाया जा रहा था कि सभी देशों ने मिलकर क्योटो संधि और रियो डी जेनेरो में सबने मिलकर ये सोचा था कि हम अपने वायुमंडल को बचाएं। हमारे वायुमंडल में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल बढ़ा था उससे ओजोन परत में छेद हो गया था, जिसके कारण घातक यूवी किरणें नीचे आ रही थी धरती पर। इस पर सभी देशों ने मिलकर अच्छा कार्य किया और अब ये ओजोन परत वापस बन गई है, क्योंकि ये भी धरती के घूर्णन के साथ पोल्स पर ही बनती है, जो छेद होता है पोल्स पर ही होता है, तो वो पोल्स पर अब सही अवस्था में है। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। दूसरी बात, तापमान बढ़ने के साथ जो हिमालय या ऐसे ऊंचे पर्वतों में, हिमालय सबसे ऊंचा है और सबसे जीवंत भी है, नया है पर्वत, इसकी स्थिति के कारण हमारे देश में और बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि जल स्रोत सूख गए, जल ही नहीं आ रहा या जल बह जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। तो ये इन सारी अवस्थाओं से बाहर निकलने का भी एक रास्ता हमको इस ओजोन दिवस पर इसलिए याद करना चाहिए कि सब देशों ने मिलकर जब उस वायुमंडल की समस्या पर विजय पाई है, तो इन जल स्रोतों का भी पुनर्निर्माण करने में, इनके पुनर्जीवन पुनरुद्धार करने में हम सबका सहयोग होना चाहिए, इसलिए है ये दिवस। इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर वाई विमला ने सभी छात्राओं को संबोधित किया, साथ ही उन्हें ओजोन दिवस के बारे में भी बताया। कैमरामैन किशन सूजन के साथ सागर कश्यप, जनवानी न्यूज, मेरठ। Thank you.